एक्सप्लेनर वीडियोस की बाढ़ आई रहती है। आप कुछ भी सर्च करें तो दो चार एक्सप्लेनर वीडियोस जो हैं वो पॉपअप होके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो इसराइल और फलस्तीन में दुश्मनी क्यों है, भारत की इसराइल से दोस्ती कैसी है, या डोनाल्ड ट्रंप को मैकडोनाल्ड का बर्गर पसंद क्यों है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं इनकी एक बहुत बड़ी खामी ये होती है कि ये अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और जब आप गूगल का सहारा लेते हैं और इंटरनेट के थ्रू अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा उस रिसर्च मटेरियल की रह नहीं जाती है। तो तमाम वो लोग जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या एक्सप्लेनर वीडियो देखने के शौकीन होते हैं, वो 3 या 4 मिनट में वो वीडियो देख के उनको ऐसा लगता होगा कि उनको बहुत सारा ज्ञान मिल गया है, कंटेंट मिल गया है, या उनके फंडे क्लियर हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं आपको इस शो का नाम बता रहा हूँ, लेविसन वुड का शो है अरेबिया। ये डिस्कवरी प्लस पे है, बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन है। लेविसन वुड की यात्राएं उस पे देखी है, अलग अलग देशों से जुड़ी हुई, तो भारत, इसराइल, पाकिस्तान, हिमालय, इनसे जुड़े हुए इतिहास को आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 30 से 40 मिनट का एपिसोड रहता है। लेविसन वुड एक जाने माने ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं, हिस्टोरियन हैं, जो उस पे काम करते रहते हैं और जिनकी रिसर्च में ग्राउंड वर्क का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो पहला शो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है लेविसन वुड का अरेबिया, इसको जरूर देखें। तो पूरा वेस्ट बैंक जो है और अरब की जो पूरी इतिहास है, सीरिया की लड़ाई, ISIS, इसके अलावा जितने भी आपके फंडे या डाउट्स हैं आपके मन में, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो इसको जरूर देखें, लेविसन वुड का अरेबिया। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ हिस्ट्री का अपने आप में अहम योगदान होता है। तो ये तमाम किस्म के एक्सप्लेनर वीडियोस जो होते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू होती नहीं है, जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो और आपके भविष्य के साथ हो सकता है खिलवाड़। तो डिस्कवरी प्लस का दूसरा जो शो है उस जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसको जरूर देखें, उसे देखने से ना चूकें। उसमें आदिम हिम युग से शुरुआत करके मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वहां तक की पूरी यात्रा है। मेसोपोटामिया का इतिहास क्या था, भारत का इतिहास क्या है, या मिस्र का इतिहास क्या है, या सभ्यताएं आपस में कैसे मिली, कैसे वो किंगशिप दोबारा शुरू हुई, चर्च की हिस्ट्री क्या थी। तो पूरा जैसे कहते हैं 360 डिग्री ऐतिहासिक शो है। सबसे अच्छी बात इस शो की जो है वो ये कि ये सिर्फ फोटो दिखा के या बड़े बड़े टेक्स्ट दिखा के आपका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता है। डिस्कवरी प्लस ने इतनी मेहनत की है इस शो को बनाने के लिए या इस शो को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि शो तो है ये BBC प्रोडक्शंस का, और इसमें जिसे कहते हैं रिक्रिएशन ऑफ द एरा है वो इतना जबरदस्त है कि आपको लगता है कि आप उसी युग में वापस पहुंच गए। तो कई बार पड़ी हुई चीजें जो होती हैं वो याद नहीं रहती हैं, लेकिन इंसान जिस चीज को देख ले वो कभी भी भूल नहीं पाता है। तो इस शो को जरूर देखें। इस शो को देखने का मतलब है एक एक एपिसोड जो है इसका वो 100-100 किताबों के बराबर है। तो इतना जबरदस्त ये शो है, इतनी मजबूत इसकी रिसर्च है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो रिसर्च असली है, सिर्फ इंटरनेट आधारित नहीं है। तो ये है 2 शोज के रिकमेंडेशन। कभी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की दुनिया से बाहर निकलें, देखें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या हो रहा है, उन पे भी कुछ उम्दा अच्छे शोज आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 शो मैंने फिलहाल रिकमेंड कर दिए हैं, आगे भी करता रहूंगा, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपका थोड़ा सा मोहभंग तो जरूर हुआ होगा उन तमाम फर्जी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए जो इंटरनेट पे भरे हुए हैं, जिसमें इतिहास कहां से आए किसी का कुछ सर पैर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करेंगे और ऐसे शोज जरूर देखेंगे जिनकी ऑथेंटिक वैल्यू बेहद ज्यादा। ये थी शोज पर रिकमेंडेशन करने वाली हमारी बात। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, घर के अंदर रहें, ना तो किसी को कोरोना दें ना ही किसी से कोरोना लें। धन्यवाद।